जहां जनेश्वर मिश्र की जयंती के मौके पर लखनऊ आज अखिलेश यादव पहुंचेंगे। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, आज लखनऊ पहुंचेंगे, 86वीं जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे। जनेश्वर मिश्र की प्रतिमा का माल्यार्पण उनकी ओर से किया जाएगा। बड़ी और अहम खबर, 86वीं जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, जनेश्वर मिश्र की प्रतिमा का माल्यार्पण भी करेंगे। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ अमित यादव जुड़ चुके हैं। अमित यादव, क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर और कैसी तैयारियां देखी जा रही है? देखिए दीपशिका, पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। कुछ ही देर में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इसी जनेश्वर मिश्रा पार्क में आएंगे। आप देख सकते हैं, एशिया का सबसे बड़ा पार्क है जो जनेश्वर मिश्रा के नाम पर ही बनाया गया है, और जनेश्वर मिश्रा की अंदर जो प्रतिमा है उस प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। साथ में तमाम बड़े नेता भी रहेंगे अखिलेश यादव के साथ। राष्ट्रीय अध्यक्ष है अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के, और जो जनेश्वर मिश्रा है वह काफी करीबी रहे हैं समाजवादी पार्टी के, साथ में समाजवादी विचारधारा के बड़े नेता रहे हैं। छोटे लोहिया भी उनको कहा जाता है। तो आज उनकी 86वीं जयंती है। इस जयंती के अवसर पर अखिलेश यादव यहां पर पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में और माल्यार्पण करेंगे। साथ में समाजवादी पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता भी यहां मौजूद रहेंगे। दीपशिका जी, अमित, और साथ ही क्या कुछ कार्यक्रम भी रखा गया है, सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम यहां पर देखे जा रहे हैं? इसके अलावा क्या जिस मंच से राजनीतिक को लेकर भी कुछ उनके जो शब्द हैं या फिर उनके जो मुद्दे हैं वो उठा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए दीपशिका, अगर सुरक्षा की पहले बात कर लें तो अखिलेश यादव को जेड प्लस सिक्योरिटी मिली हुई है और पूरी तरीके से चार चौगन इंतजाम किए गए हैं। साथ में अगर राजनीतिक मुद्दों की बात करें तो तमाम मुद्दे चल रहे हैं, कश्मीर से जुड़े हुए, साथ में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था से जुड़े हुए तमाम मुद्दे ऐसे चल रहे हैं जिस पर अखिलेश यादव आज बात कर सकते हैं मीडिया से। देखना होगा कि उनकी तरफ से मीडिया के द्वारा जब बाइट दी जाती है, जब बयान दिया दर्ज कराया जाता है, तो क्या दर्ज कराते हैं, और कई सारे सवाल भी हैं जो मीडिया उनसे पूछना चाहेगी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर, साथ में कश्मीर में जिस तरीके से हलचल लिए उसको लेकर। अब देखना होगा इस पे अखिलेश यादव की क्या प्रतिक्रिया आती है। फिलहाल जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं और इंतजार है अखिलेश यादव का। जी दीपशिका, इसके अलावा और कौन बड़े नाम भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े नेता हैं जो इसमें शामिल होंगे। मुलायम सिंह यादव को शामिल होना था मगर वो अभी दिल्ली में हैं, और दिल्ली में जिस तरीके से जनेश्वर मिश्रा की जयंती का जो कार्यक्रम है वो वहाँ पे शामिल होंगे। मगर समाजवादी पार्टी के और भी जो बड़े नेता हैं, अमरिंदर सिंह की बात कर लें, चाहे राम गोविंद चौधरी की बात कर लें, और तमाम राजेंद्र चौधरी की बात कर लें, प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल की बात कर लें, तमाम बड़े नेता जो है समाजवादी पार्टी के वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और लगातार नेताओं का जो आगमन का सिलसिला है वो लगातार जारी है। अब मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट सजेस्ट करूँगा कि वो दिखाएं पैन करके, लगातार जो नेता है उन लोगों की गाड़ियों का काफिला आप देख सकते हैं। समाजवादी पार्टी की तमाम गाड़ियां यहाँ लग चुकी हैं नेताओं की, और इंतजार सब इंतजार कर रहे हैं अखिलेश यादव का। कुछ ही देर में अखिलेश यादव आएंगे और फिर इस कार्यक्रम का शुरुआत होगा, और जिस तरीके से माल्यार्पण किया जाएगा जनेश्वर मिश्रा की मूर्ति पर, उसके बाद देखना होगा क्या वो मीडिया से बात करते हैं, और मीडिया से बात करते हैं तो कौन कौन सवालों का जवाब देते हैं। जी शुक्रिया अमित, इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि आज 86वीं जयंती कार्यक्रम में अखिलेश यादव शामिल होंगे। देखना यह भी होगा कि इस कार्यक्रम के जरिए सत्ता पक्ष को घेरने के लिए किन मुद्दों का सहारा लेते हुए अखिलेश यादव नजर आएंगे। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, सुरक्षा के इंतजाम भी कर लिए गए हैं।